वोल्टेज ट्रिपलर एंड क्वाड्रिपल, यानी वोल्टेज ट्रिपल यानी कि वोल्टेज को ट्रिपल कर देना और क्वाड्रिपल यानी को फोर टाइम, अपनी वोल्टेज को फोर टाइम्स कर देना। मल्टीप्लायर्स क्या करते हैं, वोल्टेज को मल्टीप्लाई करते हैं टू या उससे मोर टाइम्स, और उसको जो एसी हम इनपुट पे देते हैं उसको डीसी में कन्वर्ट करके, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उसको टू और मोर टाइम उसे उसकी पीक वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। और वोल्टेज ट्रिपलर क्या करता है, ये क्या करता है, 3VS मैक्सिमम या 4VS मैक्सिमम, 5VS मैक्सिमम एंड सो ऑन वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है 3, 4, 5 टाइम। अगर हम वोल्टेज ट्रिपलर देखें तो इसमें जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया है, इनपुट से हम इनपुट सप्लाई देंगे, कैपेसिटर 1 और D1, ये हमारे पास इसमें कैपेसिटर 1 D1 के साथ कंडक्ट करेगा, कैपेसिटर 2 डायोड 2 के साथ कंडक्ट करेगा, कैपेसिटर 3 डायोड 3 के साथ कंडक्ट करेगा और कैपेसिटर 4 वो डायोड 4 के साथ कंडक्ट करेगा। इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से है कि जब हमारी सप्लाई इनपुट पे प्रोवाइड करते हैं एसी की फॉर्म में, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो क्या होगा, हमारा ट्रांसफार्मर कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो VS मैक्सिमम होगी, जो कि फुल वेव और हाफ वेव डबलर दोनों में सेम आती है। वोल्टेज ट्रिपलर में भी VS मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आती है, लेकिन अभी ट्रिपल कैसे करता है ये देखते हैं। जब हमारी VS मैक्सिमम सप्लाई आएगी तो कैपेसिटर 1 क्या करेगा, चार्ज करना स्टार्ट करेगा। किस वोल्टेज तक चार्ज करेगा, जो वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग के थ्रू आई है VS मैक्सिमम, यानी VS मैक्सिमम तक ये चार्ज करेगा, और इस टाइम पे हमारा डायोड 1 फॉरवर्ड बायस रहेगा और कोई भी डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, सिर्फ डायोड 1 फॉरवर्ड बायस रहेगा और कैपेसिटर 1 VS मैक्सिमम तक चार्ज करेगा। जब एसी की नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगी यानी कि नेगेटिव साइकिल आएगी, इस टाइम पे क्या होगा, D1 रिवर्स बायस हो जाएगा लेकिन कैपेसिटर 2 चार्ज करेगा। कैपेसिटर 1 चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर 1 अब चार्ज करना स्टार्ट करेगा और कैपेसिटर 2 चार्ज करेगा 2VS मैक्सिमम तक। ये 2VS मैक्सिमम तक इसलिए चार्ज करेगा क्योंकि VS मैक्सिमम जो कि सेकेंडरी पे आई है ये वाली वोल्टेज, और C1 जो कि VS मैक्सिमम तक चार्ज हो चुका है, इन दोनों का सम जो होगा उसके सम यानी कि 2VS मैक्सिमम प्लस VS मैक्सिमम इज इक्वल टू 2VS मैक्सिमम, यानी 2VS मैक्सिमम तक ये चार्ज करेगा, इन दोनों के सम वोल्टेज पे चार्ज करेगा, 2VS मैक्सिमम तक चार्ज करेगा। और इस टाइम पे डायोड 2 फॉरवर्ड बायस रहेगा और D1, D3 और D4 रिवर्स बायस रहेंगे। अगेन नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में C3 यानी हमारा कैपेसिटर 3 चार्ज करना स्टार्ट करेगा। इस टाइम पे C1 चार्ज हो गया, C2 चार्ज हो गया, अब C3 चार्ज करेगा और हमारा D3 फॉरवर्ड बायस रहेगा, D1, D2 और D4 रिवर्स बायस रहेंगे, कैपेसिटर 3 हमारा 2VS मैक्सिमम तक चार्ज करेगा, यानी जिस वोल्टेज तक हमारा कैपेसिटर 2 चार्ज हुआ है उसी वोल्टेज तक हमारा कैपेसिटर 3 चार्ज होगा 2VS मैक्सिमम तक। और अगेन नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, D3 रिवर्स बायस हो जाएगा, D4 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, 1 by 1 ये फॉरवर्ड बायस होते हैं, D4 फॉरवर्ड बायस होगा और इस टाइम पे कैपेसिटर 4 चार्ज करेगा और कैपेसिटर 4 भी हमारा 2VS मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज करेगा। सिर्फ कैपेसिटर 1VS मैक्सिमम तक चार्ज करता है, बाकी 2VS मैक्सिमम तक चार्ज करेंगे। अब ये जो हमारे कैपेसिटर 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, डबल। डबल कैसे, सेकेंडरी वाइंडिंग से कैपेसिटर 2 तक कितनी वोल्टेज है हमारे पास, 2VS मैक्सिमम, यानी कि 2 यानी डबल वोल्टेज है, यानी कि अगर हम इतने सर्किट का यूज कर रहे हैं तो ये हमारा वोल्टेज डबलर की तरह वर्क करेगा, ये डबल करता है, जो हमारी वोल्टेज आएगी इसके अक्रॉस डबल होगी 2VS मैक्सिमम। हम वोल्टेज ट्रिपलर की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज ट्रिपलर कैसे होगा, कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 3 को मिला के, जब कैपेसिटर 1 कैपेसिटर 3 यानी इतना सर्किट, अगर हम इतने सर्किट का यूज कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला कैपेसिटर डायोड को छोड़ दे और इतने ही सर्किट का यूज कर रहे हैं, तो इस टाइम कितनी वोल्टेज है, VS मैक्सिमम प्लस 2VS मैक्सिमम यानी कि 3VS मैक्सिमम, 2 इसका और 1 इसका, 3VS मैक्सिमम
यानी कि ट्रिपल। अगर हम इतने सर्किट का यूज कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, हमारी वोल्टेज को ट्रिपल करेगा, C1 प्लस C3 यानी 3 VS मैक्सिमम, ये है वोल्टेज ट्रिपलर। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रिपल। क्वाड्रिपल क्या है कि अब हमारा C2 और C4 अगर हम पूरे सर्किट का यूज कर रहे हैं तो C2 के क्रॉस कितनी वोल्टेज है, 2 VS मैक्सिमम, और C4 के क्रॉस कितनी वोल्टेज है, 2 VS मैक्सिमम। तो अगर पूरा सर्किट यूज कर रहे हैं तो हमारी कितनी वोल्टेज आएगी, 2 + 2 = 4 यानी 4 VS मैक्सिमम, यानी क्वाड्रिपल यानी 4 VS मैक्सिमम, यानी 4 टाइम हमारे वोल्टेज को क्या करना, इंक्रीज करना, यह है हमारा क्वाड्रिपल, यानी कि 4 VS मैक्सिमम तक हमारी वोल्टेज को हम इंक्रीज कर सकते हैं। इस सर्किट तक हम 2 तक इंक्रीज डबल यूज कर सकते हैं, इसमें ट्रिपल वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें 4 टाइम एंड क्वाड्रिपल वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं। जो सेकेंडरी वाइंडिंग का टॉप है यानी कि ये चीज, यह करता है हमारे ओड वोल्टेज को मल्टीप्लाई करता है, ओड मतलब 3, 5, 7, और लेकिन जो लोअर एंड है, बॉटम पार्ट है, वो इवन वोल्टेज को मल्टीप्लाई करता है, यानी 2, 4, 6 इस तरह से। जैसे जैसे हम डायोड और कैपेसिटर को इंक्रीज करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे अपने सर्किट के साथ, वैसे वैसे हम अपनी वोल्टेज को 5, 6, 7 टाइम्स भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसके यूजेस क्या होते हैं, ये कैथोड रे ट्यूब्स में काम आती है, डीसी सप्लाई वोल्टेज होती है, जहाँ पे हाई वोल्टेज विद लो करंट का यूज होता है, और जहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि ट्रांसफार्मर क्या होते थे, बहुत बल्की होते थे, भारी होते थे, कॉस्टली होते थे, इसलिए ज़्यादातर वोल्टेज मल्टीप्लायर्स का ही यूज़ किया जाता था, वोल्टेज मल्टीप्लायर को प्रेफर किया जाता था, हाफ वेव डबलर, फुल वेव डबलर, वोल्टेज ट्रिपलर, इनका ही यूज़ होता था।